हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब। माय नेम इज़ नेहा खान। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से 2 और 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। बीएससी, एमएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और नीट, जेईई, सीपीटीयू लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है? किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी अपॉन आर। तो P और R से हम लोग किसको, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन में E सेल जो है, E सेल रिप्रेजेंट करता है सेल पोटेंशियल को, E नॉट सेल रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फराडे कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम्ब पर मोल, या फिर अप्रॉक्स इसको मान लिया जाता है हम लोग फॉर्मूला में 96500 कूलम्ब पर मोल ही वैल्यू पुट करते हैं फराडे कांस्टेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा आर। तो हमारे फॉर्मूला में जो ये आर है, इसको क्या किया जाता है? आर क्या होता है? आर होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 और यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट ज़रूर याद होनी चाहिए। सिर्फ यूनिट और वैल्यूज़ पता पूछ ली जाती है, इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ और यूनिट्स पुट की जाती हैं। और यहाँ पर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टी जो है, टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, और मेनली रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें स्पेशली दिया हुआ तो वो लिख देते हैं, वरना हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298 केल्विन आ जाता है। नेक्स्ट आता है पी जो है, पी रिप्रेजेंट किसको करता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। एन क्या हो गया? स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी चेंज हो रहे हैं सेल रिएक्शन के टाइम पर। नेक्स्ट आता है अगर हम लोग F मतलब फराडे कांस्टेंट, फराडे जो हमारा फराडे कांस्टेंट है, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, इसको अगर हम नर्स्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो नर्स्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। ये हो जाती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। R, T और F जो था वो सब वैल्यू हट गई और यहाँ पर ये सॉल्व करके 0.0591 आ जाता है log P अपॉन R। हम लोग इसी वैल्यू को पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन को पुट करेंगे, और जिससे हम लोग E सेल या E नॉट सेल जो भी वैल्यू में फाइंड करने के लिए दी हुई हो उसको फाइंड करना है, यहीं से करेंगे हम लोग। हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ ली है, क्या थी हमारी? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log P अपॉन R। अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पर, जैसे हमें क्या दे दिया गया, हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसका डाटा हमें इस तरह से दिया हुआ है। E नॉट Fe से Fe2 प्लस फॉर्म हो रहा है तो वो दिया हुआ है 2.10 वोल्ट। E नॉट Cu से Cu2 प्लस दिया हुआ है 0.86 वोल्ट। अगर Fe से Fe2 प्लस बन रहा है तो इतनी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, Cu से Cu2 प्लस बन रहा है तो ये वैल्यू हो गई। Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन ये दी हुई है। तो सेल पोटेंशियल को फाइंड करने का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है राइट अ बैलेंस सेल इक्वेशन फॉर अबव डाटा। ऊपर वाले डाटा के लिए सेल जो क्या है, सबसे पहले बैलेंस सेल इक्वेशन लिखिए। जैसे हमें दिया हुआ है Fe से Fe2 प्लस, अब हमें ये कैसे पता चलेगा? हमें तो दो वैल्यूज दे दी हुई है कि Fe से Fe2 प्लस और Cu से Cu2 प्लस की वैल्यू दे दी E नॉट। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, कैसे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है?
तो ये पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो नीचे होता है उसका होता है रिडक्शन। तो इस तरह से हमें पता चला Fe इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट रहता है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए इसको लिखा गया है E नॉट ऑक्सीडेशन। और जो ऊपर प्रेजेंट रहता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? कैथोड की तरह। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कैथोड पर होता है, मतलब Fe से Fe2+ बन रहा है। कैथोड किसे, ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब Fe से Fe2+ बन गया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर हुआ, Fe से Fe2+ बना। तो Fe से Fe2+ बनने की जो E0 की वैल्यू थी वो हमें दी हुई है, ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 2.10 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमें कहा हुआ था कॉपर से, कॉपर 2+, तो हमने पढ़ लिया कि कॉपर नीचे प्रेजेंट होता है तो उसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो Cu2+ में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और Cu बन जाएगा। हमें Cu और Cu2+ का फॉर्मेशन दिखाना था, एक्सचेंज दिखाना था, तो Cu2+ में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो करके Cu बनता है। इलेक्ट्रॉन के एडिशन को ही रिडक्शन कहा जाता है, तो इसीलिए E0 रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन हमेशा N0 पर होता है। Cu2+ से क्या बना है हमारा? Cu बना है, तो Cu2+ से Cu, हमें दी हुई थी वैल्यू Cu से Cu2+ बनने की जो थी 0.86 प्लस की थी वो वैल्यू, लेकिन हमने रिवर्स किया है, Cu2+ से Cu बना रहे हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ। तो ये पता चल गया हमको, हमें जो वैल्यू दी हुई हो अगर हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, जैसे Cu से Cu2+ का हमें वैल्यू दी हुई थी, हमने Cu2+ से Cu बनाया है तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों एक सेल, ये जो दोनों हाफ हाफ इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड होकर के ये क्या इक्वेशन हो गई? Fe प्लस Cu2 प्लस एरो क्या हो जाएगा? Fe2+ प्लस Cu। हमें पता है आयरन है, आयरन सॉलिड होता है, Cu2+ एक्वस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन में होगा, Fe2+ भी एक्वस होगा, Cu जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसका हमारा पहला स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है E0 सेल को फाइंड करना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमने पता कर लिया, E0 सेल फाइंड करते हैं। E0 सेल के मैनी फॉर्मूला होते हैं, E ऑक्सीडेशन माइनस E रिडक्शन, या तो ये लगा सकते हो, या फिर E कैथोड माइनस E एनोड। हमने ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन लगाया, हम हर जगह यही लगाएंगे। तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी थी 2.10 वोल्ट, और रिडक्शन की पढ़ी थी माइनस 0.86, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया 2.10 माइनस माइनस 0.86 इज इक्वल्स टू, हमारी ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ऐड होकर के 2.96 वोल्ट ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आता है हम लोग, अब लगाते हैं, नाउ वी अप्लाई नर्स इक्वेशन, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप पढ़ा हमने बैलेंस इक्वेशन लिखिए, सेकंड उसमें पढ़ा ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन का पता लगाइए, थर्ड पढ़ा ई सेल ई नॉट सेल का पता लगाइए ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन से, फोर्थ स्टेप होता है हमारा ई सेल, मतलब नर्स इक्वेशन पुट कर दीजिए। नर्स इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन क्या हो जाएगा? एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चेंज हुए हैं? दो, दो से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हैं तो इसीलिए दो आ गया। लॉग प्रोडक्ट कौन कौन सा बनाए? तो प्रोडक्ट हमारा हमें इक्वेशन में दिखाई दे रहा है Fe2+ और Cu है, तो हमने Fe2+ और Cu की कंसंट्रेशन ली, यहाँ पर क्या हो गया हमारा Fe और Cu2+, तो Fe और Cu2+ की जो भी सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, उनकी जो क्या होती है कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो इसीलिए Cu और Fe जो है ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा? प्रोडक्ट की फॉर्म में बचेगा Fe2+, और रिएक्टेंट की फॉर्म में बचेगा Cu2+। तो हमने क्या किया, हमने 2 से इसको वैल्यू को कैंसिल किया, ये वैल्यू हमने ऐसे कैसी ही नेक्स्ट लाइन में रखी। Fe2+ की कंसंट्रेशन हमें दी हुई थी, Cu2+ की कंसंट्रेशन हमें दी हुई थी, वहाँ से हमने सॉल्व किया, 1/100 आ गया, लॉग 1/100। पहले वाली वैल्यू हमारी सेम चल रही है 2.96 माइनस 0.02955 लॉग, ये 1/100 क्या हो जाएगा? 10^-2, ऊपर आके माइनस 2 हो गया। हमें पता है लॉग की जो हमारी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो हमने नेक्स्ट में क्या किया, माइनस 2 को पहले ले आए और लॉग बेस 10 कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 0.02955 से, और वैल्यू आ गई हमारी 0.0591, और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास में आ गया 2.96 प्लस 1 की जो मल्टीप्लाई होगी यही वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे पास में आंसर आ गया 3.0191 वोल्ट।
इस तरह से आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन ऑब्टेन करते रहिए।